Good morning, students. We'll start with chapter number 5, Revolutionaries of India. Today, being the Martyrs Day, a film named The Legends of Bhagat Singh are going to be shown in school. जो लेजेंड भगत सिंह की जो मूवी थी एंड उनके मार्टर डे पे वो स्कूल में दिखाई गई. ऑन एंटरिंग द क्लास अ टीचर रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्सेस. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. आफ्टर रेसिटिंग दीस लाइन द क्लास टीचर टॉक्ड अबाउट revolutionaries of India. Many known unknown martyrs struggle for freedom till death during the freedom struggle of India. काफ़ी लोग जो थे जाने हुए या हम जिन्हें नहीं जानते उन्होंने अपनी लाइफ जो है बलिदान की, स्ट्रगल किया फ्रीडम के लिए. उनकी डेथ हो गई फ्रीडम के टाइम. उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया इंडिया को फ्रीडम मिले. After the revolt of 1857, many revolutionary fought individually or they formed group and declared revolt against the British Empire. जो revolt था 1857 के बाद, जो काफ़ी सारे revolutionary थे वो individually अकेले भी लड़ने लगे या groups में भी बन के लड़ने लगे and उन्होंने declare किया revolt British Empire के against. Now people all over the country रिमेंबर देयर स्टोरी स्टिल डे. जो सारे लोग थे ऑल ओवर द कंट्री के उनको ये सारी स्टोरीज जो है टिल डेट याद थी. दोज ब्रेव मैन वूमेन हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर नोन एज रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया. जो ब्रेव मैन वूमेन थे जो लड़ाई लड़े ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्हें हम रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया मानते हैं. देयर एक्टिविटीज वर रिवोल्यूशनरी. People from all walks of life, literate or illiterate, royal, ordinary, took part in this revolution. जो लोग थे हर तरह के आए, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, रिच, ऑर्डिनरी, हर एक पर्सन ने इस रिवोल्यूशनरी, इस लड़ाई में, इस फ्रीडम के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया. ये जो एक्टिविटी थी वो पूरे इंडिया में हुई, बट कहाँ पे जो डिग्री थी वो ज़्यादा थी, मतलब जो स्ट्रगल का ये था वो कहीं पे ज़्यादा था कहीं पे कम था. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर इनिशिएटेड बाय फर्स्ट मार्टर वासुदेव बलवंत फड़के हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र. फर्स्ट यही पर्सन थे वासुदेव जिन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट की थी. चिंगारी मालिक तेरे रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे. जब तक है तन मन जान, जब तक है तन में जान, रगों में रह लहू रहे, तेरे हो जिकर या तेरी जुस्तजू रहे. राम प्रसाद बिलमिल. राइट साइड में फोटो दिया गया है 5.1 टॉर्च ऑफ रिवोल्यूशन. Now we'll study about Vasudev Balwant Phadke. Vasudev Balwant Phadke was the pioneer of the revolutionary activity in the first India. ये वासुदेव फर्स्ट जो है बलवंत वो पहले इंसान थे एंड उन्होंने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था. ही वर्कड इन पुणे. इनजस्टिस होगा यहाँ पे. इनजस्ट एंड पार्शियल अप्रोच ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इरिटेटेड हिम सो दैट ही लेफ्ट हिज जॉब. ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इम्पार्शियल जो पार्शियल करते थे, पार्शियलिटी करते थे और इनजस्टिस अप्रोच था जो उनका, उनको इस बात से गुस्सा आया तो उन्होंने अपनी जॉब जो है छोड़ दी. ही टुक अ वाउ ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फोरहेड एंड नॉट टू कट हेयर टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिशर. उन्होंने एक शपथ ली थी कि वो अपने सर पे टीका नहीं लगाएंगे जब तक वो इंडिया को फ्री नहीं करेंगे और अपने बाल भी जो है नहीं काटेंगे. जब तक ब्रिटिशर्स के चुंगल में से इंडिया को नहीं फ्री करवाएंगे तब तक वो ना तिलक लगाएंगे ना हेयर्स कट करवाएंगे. ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी कॉल्ड रामोशी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने एक सीक्रेट आर्मी ग्रुप बनाया था
जो फाइट करेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको नाम दिया था रामोशे। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के, राइट साइड 5.2। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वॉन्टेड विद अ बाउंटी ऑफ ₹4,000। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको सर्च के लिए ऑर्डर निकाला और इनाम रखा, जो इनके बारे में बताएगा उन्हें ₹4,000 दिए जाएंगे। ही ट्रेंड यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप, टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज गन्स एंड अदर वेपन। इसने एक यंग मैन को ट्रेन किया कि कैसे ब्रिटिश कैंप को अटैक करेंगे और गवर्नमेंट के इसमें रॉबरी करेंगे एंड यू गन्स एंड वेपन्स यूज करेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम डी सेपरेट टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही ये थी कि इसे कैसे भी करके हमें अरेस्ट करना है और किसी भी कीमत पर। नाउ वी लर्न अबाउट वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर वॉज बॉर्न ऑन 28 मई 1883 इन बागुर विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ही फॉस्टर्ड रिवोल्यूशनरी आइडिया सिंस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अब ये जो दामोदर सावरकर है वो बॉर्न हुए थे 28 मई, विनायक जी, 28 मई 1883, बागुर विलेज जो नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वहाँ बॉर्न हुए थे। एंड इनके मन में, इनके दिमाग में जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ है वो उनके बचपन से ही था। ही एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला, विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्ट। अब ये जो है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था मित्र मेला, एंड जो बाद में अभिनव भारत के नाम से जानी जाती थी। इनका मेन एम था कि इंडिया को फ्रीडम दिलाया जाए ब्रिटिश रूल से। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वीर सावरकर 5.3 जो बताई जा रही है यहाँ पे राइट साइड में। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कैंडल द फॉरेन क्लोथ। पहले पर्सन थे इंडिया के जो फॉरेन क्लोथ्स को यूज करने के लिए मना बोले। ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू लंडन फॉर फर्दर स्टडी। उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप ली थी जो इंस्टीट्यूशन रामजी कृष्ण वर्मा की है, एंड फर्दर स्टडीज के लिए वो लंडन गए थे। वीर सावरकर रोट अ बुक टाइटल 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट वॉज बैंड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। इन्होंने एक बुक लिखना चाहिए लिखी 1857 पे जिसका टाइटल था, एंड ये थी फर्स्ट इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी की बुक, एंड ये पहले से ही बैन कर ली गई, इसको पब्लिश भी होने नहीं दिया। ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 फॉर हिज एसोसिएशन विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन इंडिया हाउस। सावरकर वॉज सेंटेंस टू लाइफ टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट दैट इज ऑफ 50 ईयर्स एंड वॉज मूव टू द सेलुलर जेल इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। अब ये इनको अरेस्ट किया गया था विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था, एंड दे गेव हिम सेंटेंस टू लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट। उनको उम्र कैद सुनाई गई थी एंड 50 ईयर्स, एंड इनको सेलुलर जेल में भेजा गया था। कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड में, एंड इट वॉज नोन एज काला पानी। लेटर ड्यू टू द पुअर हेल्थ ही वॉज कैप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। उनकी हेल्थ जो है ख़राब होने के कारण उनको घर में अरेस्ट करके रखा गया था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फरवरी 1966। Thank you, students. We'll continue in the next class.